सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और लालीगा प्रेडिक्शंस। यस, द वीडियो इज़ फाइनली अगेन। मैंने ये वीडियो बनाया, मैं वीडियो कब से बनाना चाहता हूँ लेकिन अभी एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बिजी था और थोड़ा फार टाइम निकाला है अब वीडियो बनाने में। सो हाँ यार, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार क्यों यार रोज़ भीख मंगवाना पड़ता है मेरे को तुमसे। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, गरीब को प्लीज़ यार कर दो यार, दिल से बुरा लगता है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यार मैं क्या बोलूँ, सब्सक्राइब करो यार। सो अभी करंट सिचुएशन में लालीगा टेबल आपको अभी शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, जो अभी करंट मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का लालीगा टेबल है ऑब्वियसली। और यू नो टॉप टॉप टीम्स है टॉप फोर में, जो कि डेफिनेटली चैंपियंस लीग खेलेगी, जो है ग्रेनेडा, जो है रियल बेटिस, वियरियल, सेल्टा विगो। हाँ यार क्यों नहीं खेल सकती रियल मैड्रिड, पहली मैच ड्रॉ कर गई सोसाइडेड के सामने, नो पेनल्टीज, नो सॉरी सॉरी सॉरी। जब मैं लालीगा प्रेडिक्शंस करने की सोचता हूँ तब मुझे बिल्कुल भी पिछले सीजन का यानी 2019-2020 सीजन के सीजन में और इस सीजन में कोई फ़र्क नहीं दिखता, बस एक के जो कि आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं नंबर फोर पोजीशन से, और नंबर फोर पोजीशन होगी क्या यार, डाउटफुल है एटलेटिको मैड्रिड और सविया में, बट स्टिल एटलेटिको मैड्रिड आर स्टिल मोर ऑफ डिफेंसिव और यू नो सुपियोरिटी है डेफिनेटली सिमियोने, बट स्टिल सविया विल बी नंबर फोर अगेन, क्योंकि लोपेतेगी अगेन यार भाई अभी तगड़ी मैच होनी बाकी है, सुपर कप, यूएफा सुपर कप अगेंस्ट लिवरपूल, अगर उस मैच में कुछ सविया निकाल लेती है भाई, कत्ल कत्ल काम, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सविया की थर्ड पोजीशन। बट डेफिनेटली यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड ने लिवरपूल को हराया था ताकि वो जाके सेमीफाइनल में लीपजिग से हार जाए, नहीं माफ़ करना, क्वार्टर फाइनल में लीपजिग से हार जाए, बट डेफिनेटली यहाँ पे हराया है तो हराया है उसमें कोई डाउट नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ पे सविया कुड फिनिश नंबर फोर। आफ्टर ऑल रेगुलॉन भी जा चुका है, बनेगा जा चुका है, और हाँ ठीक है हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोपेटेगी कुछ अच्छी यू नो अपने टैक्टिक्स से अपने टीम को आगे बढ़ाए, और प्लेयर्स ठीक है प्लेयर्स, मैंने अभी तक इतना डीपली स्टडी नहीं किया सविया के बारे में, सो डेफिनेटली मैंने कुछ मैचेस देखे भी नहीं है अभी लालीगा के ओपनिंग सीजन के, बट डेफिनेटली यहाँ पे लालीगा सीजन इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो अब अगली पोजीशन पे बढ़ते हैं जो होगी नंबर थ्री, जहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड अगेन यार बहुत सारे रूमर्स लिंक्ड हो रहे थे थॉमस पार्टी कुड जॉइन आर्सेनल, सिमियोने की टीम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि चैंपियंस लीग में अगेन यार लिवरपूल को हराने के बाद एक खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे पकड़ी गई लिप्जिक के अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, जो डेफिनेटली यहाँ पे सिमियोने कितने साल हो गए भाई उस बंदे को एटलेटिको मैड्रिड में भाई, बट क्यों यार क्यों इतना डिफेंसिव क्यों भाई साहब, बट डेफिनेटली यहाँ पे वो कुछ फायर पावर लाना चाहता है यार स्क्वाड में, और जहाँ पे बार्सिलोना का स्ट्राइकर लुइस सुआरेस को जॉइन एटलेटिको मैड्रिड, और एटलेटिको मैड्रिड की मूव ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और डेफिनेटली यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड को सुआरेस का फ़ायदा होगा क्योंकि मोराटा जा चुका है, मोराटा को स्टार्टिंग 11 में इतनी चांसेस नहीं दिए गए ओवर कोस्टा, वो पिक नहीं होता था और कोस्टा को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, फिर भी मोराटा इज़ गोइंग टू यूवेंटुस, सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर सुआरेस ज्वाइन कर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सिमियोने को यू नो क्योंकि अगेन सुआरेस अपने एज की वजह से यू नो एज की वजह से अब यहाँ पे बार्सिलोना उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही है वगैरह बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू फायरिंग पावर सुआरेस फाड़ है भाई, अभी भी फाड़ है, भले ही वो अब इन बिहाइंड रन्स ना निकाल पाए या भाई वो अच्छी तरह से बॉक्स एंगेज करता है डिफेंडर्स को भी एंगेज करवाता है, सो डेफिनेटली वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और जाओ फिलिक्स तो है ही, सो डेफिनेटली यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड कुड फिनिश थर्ड। मूव ऑन टू नेक्स्ट, जो कि यही एक चेंजेस है सेकंड पोजीशन, जहाँ पे बार्सिलोना कांट एबल टू विन द लीग और रियल मैड्रिड ने जीत लिया यहाँ पे, और बार्सिलोना हाँ यार हम बस वेट करते रहे कि कब रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए जाए, और हम ड्रॉ पे ड्रॉ करते गए, बट डेफिनेटली अब उस बात को भूल जाते हैं क्योंकि पिछला सीजन था नया सीजन नया जोश, बट डेफिनेटली यहाँ पे रियल मैड्रिड कुड फिनिश सेकंड कॉज दे हैवंट साइन एनी ऑफेंसिव प्लेयर, सो अगर मैं बात करूँ तो उनको ज़रूरत भी नहीं है यार, डेफिनेटली यहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है, और वो शायद पैसा
अपना अच्छी तरह से जमा कर रहा है एम्बापे के लिए अगले सीजन, हु नोज, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में रूमर्स भी चल रहे थे कि एम्बापे ने बता दिया कि वो अगले सीजन में एग्जिट करेगा पीएसजी, सो डेफिनेटली लिवरपूल और यू नो रियल मैड्रिड आर इन रेस, दे आर कॉन्स्टेंटली इन टॉक्स विद किलियन एम्बापे, सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर यू नो रियल मैड्रिड अगर कुछ साइनिंग्स नहीं करती भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि अगर हज़ार्ड अपनी फॉर्म में वापस आ जाता है तो फिर भाई वो दिक्कत पैदा करेगा, और बेंजिमा तो है भाई, वो ऑल टाइम फॉर्म है, और है यार यूथ्स है विनीशियस वगैरह वगैरह जो भी है, मैं इतना ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करता रियल मैड्रिड क्योंकि मैं बारसा फैन हूँ, कट्टर हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी यू नो डीपली स्टडी नहीं करूँगा मैं रियल मैड्रिड को, बट डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस है कि बारसा कैन ओवरटेक देम, सो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर वन पोजीशन, जो कि डेफिनेटली मैं किसको दूंगा यार, कैडिक्स नहीं बे, कैडिक्स नहीं, कौन सी आई है टीम, यूएस का, नहीं, जीरोना तो है भी नहीं यार, सॉरी, पहला पोजीशन जाता है यार हमारी एफसी बार्सिलोना को, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेंडली गेम्स तीन फ्रेंडली गेम्स खेली गई इस साल, जोहान गैम्पर ट्रॉफी, और हम पोटेंशियल अपोनेंट से फेस कर चुके हैं, हमारे लालिका अपोनेंट्स इल्चे, जहाँ पे हम डिफेंसिवली थोड़ा वीक है, अभी भी वीक है डिफेंसिवली, बहुत ज़्यादा वीक है, मैं थोड़ा क्यों बोल रहा हूँ यार, और ये डिफेंसिव लाइन चेंज करनी पड़ेगी, जॉर्डी अल्बा कितना घिसाओगे यार, अगर मैं यहाँ पे तीनों फ्रेंडली गेम्स जज करता हूँ तो ऑफेंसिव फुल बैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है कॉमन, जॉर्डी अल्बा के रन्स वगैरह वगैरह, वो वेलवर्डे वाले टैक्टिक्स, अब लाइन्स ब्रेकिंग पासिस हो रहे हैं, कटिनियो इज ऑन द फायर भाई, कटिनियो कतल फायर पे है, और डेफिनेटली अगर उसकी फेवरेबल पोजीशन पे खेलता है तो वो आग मचाएगा, ग्रीजमन ने भी दो गोल्स स्कोर किए, कटिनियो भी दो, मेसी ने तो भाई एक मैच में ऐसे टाइम पास में दो गोल मार दिए थे, सो डेफिनेटली यहाँ पे यू नो यार कुछ नहीं बता सकते, बट अगर फायर पावर की बात करो पूरी लालिगा में तो बार्सिलोना जैसी फायर पावर किसके पास भी नहीं है, आंसू फाती, डिम्बेले, ट्रिंकाओ भाई साहब, फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना, ये लिख के लो, और डेफिनेटली अगेन वो सब पूरा डिपेंड करता है गेम टाइम पे, किस यूथ को कितना यानी किस यंगस्टर को कितना प्ले टाइम अच्छी तरह से कोमन यू नो दे पाएगा, और इस सीजन में कितना सक्सेस वो हासिल कर पाएगा, पेड्री भी है और डिम्बेले इंजरी फ्री रहे तो उससे अच्छी बात नहीं होगी बार्सिलोना के लिए, और मेसी तो है ही, मेसी एज अ प्रोवाइडर रहेगा या फिर एज अ गोल स्कोरर, वो दोनों काम करता है एक साथ, और अगर आप प्लेयर्स को आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है कोमन, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे लीग की जो जीत है वो बार्सिलोना के हाथ में है डेफिनेटली, क्योंकि ओनली प्रॉब्लम इज नाउ मिडफील्ड इज क्राउडेड, मिडफील्ड भी बहुत अच्छी सी है, बट डिफेंस अगेन ट्रांसफर जा रहा है, यहाँ पे प्लेयर सेल हो रहे हैं बार्सिलोना के, सिमोडो इज डन, विडाल इज डन टुडे, एंड सुआरेस इज क्लोज, कुछ टेंशन चल रहा है उसका भी, इटालियन पासपोर्ट का, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली यहाँ पे वो क्लोज है, डेफिनेटली एटलेटिको मैड्रिड आर गोइंग टू साइन सुआरेस, बट यू नो हु नोज, बट में वो कुछ भी कर सकता है बीच में, और सुआरेस को हम एज अ बर्डन नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा बड़े वेज भाई, खर्चे बड़े हैं उसके, सो डेफिनेटली यहाँ पे सुआरेस भी जाएगा तो यू नो हमें अब चांस है डिफेंसिव अपग्रेड्स करने में, और गार्सिया या डेस्ट या फिर राइट बैक्स के ऑप्शन भी हैं हमारे पास बहुत सारे, नॉर्विच सिटी का भी एक राइट बैक है, एक एमर्सन है बेटिस वाला, और एक बेरिन भी है, और डेस्क भी है, सो डेफिनेटली राइट बैक पोजीशन, सेंटर बैक पोजीशन पे गार्सिया कुड रिटर्न टू हिज होम बार्सिलोना, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये भी चांसेस अगर ये पॉसिबल होते, रोनाल्डो अराउखो इज अ बेस्ट, अगेन उसको भी एक अलग से मेंशन करता हूँ मैं, क्योंकि अगेन भाई बंदा तगड़ा है, बंदे की परफॉर्मेंस स्पीड वगैरह सब देख लिया है मैंने फ्रेंडली में, और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर पीके उसे थोड़ा प्लेइंग टाइम देना चाहिए अराउखो को, ताकि वो डेवलप हो सके अंडर पीके, सो हाँ यार बस इस वीडियो में बस इतना ही यार, ज़्यादातर बातें मैं इतना आराम से प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगेन फुटबॉल इजंट प्रेडिक्टेबल एट ऑल, कुछ भी हो सकता है कभी भी, और बार्सिलोना अगर फिर से हगने लगे तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं यहाँ पे कि जीत पाए वापस, सो अगेन यार इस वीडियो के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हाँ यार मैं भीख मांग रहा हूँ फिर से, बट डेफिनेटली आप भी कर सकते हो यार, मेरे लिए उतना कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय. It's caught in the crossfire.